हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार, अभी मैं हूं गांधी मैदान कारगिल चौक के पास। और जैसा कि आपको पता ही है कि यहां कारगिल चौक से लेकर आगे एनआईटी मोर साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। और गाइस, इस काम को काफ़ी तेजी से भी पूरा किया जा रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बात सामने निकल कर आ रही है कि क्या ये फ्लाईओवर का काम अब रुक जाएगा। एक्चुअली आगे पटना कॉलेज के पास ब्रह्मस्थान दुर्गा मंदिर, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है, वहां के मंदिर समिति के द्वारा मंदिर को बचाने के लिए लोग अनशन पर बैठे हैं। तो क्या है पूरा मामला, वो मैं आपको वहां चलकर दिखाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं सेकेंड फेज में शुरू किए गए डबल डेकर के काम के बारे में। तो यहाँ कारगिल चौक से लेकर खजांची रोड तक इसे तैयार किया जा रहा है। वहीं खजांची रोड से लेकर साइंस कॉलेज तक तो गडर लॉन्चिंग का काम और फ्लाईओवर पर चढ़ने के लिए रैंप को भी तैयार कर लिया गया है। तो उधर का भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप यहां देख सकते हैं सेकंड फेज में कारगिल चौक पेट्रोल पंप से लेकर आगे बीएन कॉलेज तक इसे तैयार किया जा रहा है। एक्चुअली सेकेंड फेज के काम को पार्ट बाई पार्ट करके यहाँ पूरा करने का काम चल रहा है, जिससे यहाँ जाम की समस्या ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पिलर के लिए बेस फाउंडेशन को तैयार करने का काम चल रहा है। और गाइज, यहाँ मिले मुझे एक सब्सक्राइबर, तो फिर क्या था, मैंने भी इनका फ़ोन लेकर दबा दिया सब्सक्राइब का बटन। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइज, बात करूँ अब डबल डेकर फ्लाईओवर की, तो ये इधर कारगिल चौक से होता हुआ आगे साइंस कॉलेज तक तैयार किया जाना है। इसलिए यहाँ पाइलिंग और पिलर को बनाने का काम आपको देखने को मिलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज आइए, अब मैं आपको यहां से आगे लेकर चलता हूं और वहां क्या कुछ काम चल रहा है उसे भी देख लेते हैं। और गाइज, कारगिल चौक के पास से अभी गाड़ियां इस बुक स्टॉल के पीछे से तैयार किए गए रोड से होकर आगे बीएन कॉलेज के गेट के पास निकल रही है। और गाइज, वहां से आगे अब ये काम कुछ और दूर तक देखने को मिलेगा। तो आइए फिर चलकर देख लेते हैं उधर। तो गाइज, ये रहा बीएन कॉलेज का गेट। और यहाँ से आगे भी आप देख सकते हैं पिलर को तैयार किया जा रहा है, और कुछ पिलर तो आपको इधर तैयार भी देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पाइलिंग का भी काम आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यानी गाइज, अब इस डबल डेकर फ्लाईओवर का काम कारगिल चौक से लेकर यहाँ बीएन कॉलेजिएट स्कूल तक पहुंच चुका है। और जैसे ही यहाँ इन सभी पिलर का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये काम आपको यहाँ से आगे देखने को मिलेगा। वैसे गाइज, इतने छोटे से डिस्टेंस पर ही काम होने पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। अभी मैं दोपहर के टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर मॉर्निंग ऑफिस टाइम या इवनिंग में यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम देखने को मिलता है। तो खैर गाइस, चलिए अब मैं आपको आगे जो मंदिर का इश्यू चल रहा है उसके बारे में, और साथ ही डबल डेकर फ्लाईओवर का काम कितना पूरा हो चुका है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये रहा यहाँ पीएमसीएच ओपीडी। और यहाँ खजांची रोड से लेकर आगे आपको साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर के फर्स्ट फेज के काम को होता हुआ आप देख सकते हैं। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इन्हें इस तरफ पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, और अब इनके ऊपर पियर कैपिंग का काम चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाइज, ये रहा पोर्टल फ्रेम स्ट्रक्चर वाला पिलर, जिसके दोनों फ्लोर पर गाड़ियां चलेंगी, और इसका भी काम इस तरफ लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। इस तरह के बस कुछ एक दो पिलर और तैयार करने इधर बाकी हैं। और गाइज, मैं आपको इस डबल डेकर फ्लाईओवर के बारे में बताऊं, तो इसे कारगिल चौक से लेकर साइंस कॉलेज तक बनाया जा रहा है, जिसके फर्स्ट फ्लोर की लंबाई 1.5 किलोमीटर की, वहीं सेकंड फ्लोर की लंबाई 2.2 किलोमीटर की होगी। और इसके साथ ही नीचे डबल लेन की सर्विस रोड भी देखने को मिलेगी। और इसे पटना के पीएमसीएच मल्टीलेवल पार्किंग से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे पीएमसीएच आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और गाइज, आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस फ्लाईओवर का फर्स्ट फ्लोर नीचे आता जा रहा है और ये आगे जाकर जमीन पर चला जाएगा। और गाइज, इसी जगह ये रहा वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था, श्री ब्रह्मस्थान दुर्गा मंदिर। इसे तोड़े जाने से बचाने के लिए यहाँ आमरण अनशन किया जा रहा है। और वहीं यहाँ समिति के द्वारा लिखा भी गया है कि हम जान दे देंगे परंतु मंदिर टूटने नहीं देंगे। इसी के लिए यहाँ सोमवार को जुलूस भी निकाली गई थी। वहीं संजय सिंह, जो इस मंदिर समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा 9 दिनों से अनशन किया जा रहा है, जिसके कारण उनका
स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है और इनका कहना है कि अगर बात नहीं सुनी गई तो अशोक राजपथ और नया टोला बारी पथ को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो सरकार को जल्द से जल्द इस पर कुछ फैसला लेना होगा। तो गाइस चलिए अब मैं आपको इस डबल डेकर फ्लाईओवर के गडर लॉन्चिंग का काम कहाँ तक कम्प्लीट कर लिया गया है उसके बारे में दिखा देता हूँ। तो गाइज ये रहा सामने पिलर नंबर 56 और आप देख सकते हैं यहाँ से आगे यानी पिलर नंबर 57 के ऊपर गडर लॉन्चिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। और गाइज ये जो आप एक और पिलर के ऊपर गडर को देख रहे हैं इस पर आप इधर पटना कॉलेज के तरफ से होकर सीधे कारगिल चौक के तरफ चले जाएंगे। वहीं कारगिल चौक के तरफ से आप इस डबल डेकर फ्लाईओवर के सेकेंड फ्लोर से होकर NIT या पटना सिटी के तरफ चले जाएंगे। और गाइज आप यहां देख सकते हैं इन दोनों पिलर पर काम काफ़ी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है और ऊपर वाले फ्लोर को तो ढालने का काम भी पूरा हो चुका है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गाइज इधर भी आप देख लीजिए साइंस कॉलेज के तरफ से इस डबल डेकर फ्लाईओवर को ढालने का काम काफ़ी सारे पिलर के ऊपर कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं गडर लॉन्चिंग का काम आगे पिलर नंबर 57 तक अभी आप देख ही चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों फ्लोर को PMCH मल्टी लेवल पार्किंग से भी कनेक्ट किया जाएगा और इस मल्टी लेवल पार्किंग में 1500 गाड़ियों को पार्क करने की सुविधा होगी। तो गाइज इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के काम को अगर देखा जाए तो पिलर और साथ ही उसके ऊपर गडर लॉन्चिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है, यानी 60-70% आपको काम इधर कंप्लीट देखने को मिलेगा। और वहीं सेकेंड फेज में आगे कारगिल चौक से लेकर सिविल कोर्ट बस स्टैंड तक अभी पाइलिंग और पिलर बनाने का काम चल रहा है। तो गाइस बस अब इंतजार है तो इस डबल डेकर फ्लाईओवर के जल्द से जल्द पूरा होने का। तो देखते हैं अब ये कब तक कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि मंदिर को लेकर यहाँ पर ऑलरेडी अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तो इस डबल डेकर का काम अभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे आप यहां देख सकते हैं कुछ और गडर को लॉन्च करने की यहां तैयारी चल रही है। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था पटना के अशोक राजपथ पर बनाए जा रहे डबल डेकर फ्लाईओवर के चल रहे काम का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पटना की ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूं मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।